गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, नाउ वी स्टार्ट अ मैथ क्लास चैप्टर नंबर 15 ज्योमेट्री। आज हम आपको ज्योमेट्री के बारे में बताएंगे। फर्स्ट डिस्कस करेंगे पॉइंट एंड लाइन। सबसे पहले हम पॉइंट को डिस्कस करेंगे। टेक अ फाइन पेंसिल, हमें शार्प पेंसिल लेनी है। मेक अ डॉट विद इट्स ऑन अ पीसीज ऑफ पेपर, एक पेपर पर एक डॉट हमको डिनोट करेंगे। नेम इट्स नेम, और उसका नाम हम देंगे पी। वी से दैट पी इज़ अ पॉइंट, तो पी हमारा क्या हो गया, पॉइंट हो गया। सो द फाइन डॉट रिप्रेजेंट अ पॉइंट, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, पॉइंट्स को। अब लाइन की बात आती है, तो देखिए टेक अ थ्रेड, एक हमने थ्रेड लेंगे। होल्ड वन एंड ऑन इट इन वन हैंड एंड देन द अदर हैंड इज द अदर हैंड। अब हमने क्या किया, एक थ्रेड लिया, वन हैंड पर एक इसका लिया, दूसरे हैंड पर दूसरा हैंड लिया। स्क्रैच द थ्रेड स्टेट, और हमने क्या किया, उस थ्रेड को क्या किया, स्क्रैच यानी कि टाइट करके खींचा। वी से दैट द फोन अ स्ट्रेट लाइन, तो आप देखेंगे कि एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाती है। नाउ लूज द एवर थ्रेड, अगर हमने उस थ्रेड को लूज कर दिया, वॉट डू यू, तो आप क्या देखेंगे, द स्ट्रेट थ्रेड नाउ गेट अ कर्व्ड, अब वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, कर्व्ड फॉर्म में। सच एज द लाइन इज कॉल्ड अ कर्व्ड लाइन, उसको हम क्या कहेंगे, कर्व्ड लाइन कहेंगे। नेक्स्ट है, आपने ये देखेंगे आप फिगर में, मैंने अभी आपको स्ट्रेट लाइन और कर्व्ड लाइन के बारे में बताया था, तो आप देखेंगे राइट इफ़ द लाइन इज कर्व्ड और स्ट्रेट। अब इसमें कुछ लाइंस दी गई हैं, आपको बताना है कि स्ट्रेट लाइन है कर्व्ड लाइन है। अब देखिए ये कौन सी लाइन है, दिस इज़ अ कर्व्ड लाइन, क्योंकि ये इस टाइप से शेप बनाकर लेके आ रहा है, इसको क्या कहेंगे, कर्व्ड लाइन। दिस इज अ, ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसको हम स्ट्रेट लाइन कहेंगे। ये जिगजैग फॉर्म में है यानी कि कर्व्ड फॉर्म में है, तो ये कौन सी लाइन हुई आपकी, कर्व्ड लाइन। अब देखिए इसमें आपको देखना टाइप्स ऑफ लाइंस, यानी कि टाइप्स ऑफ लाइंस कौन, कितने टाइप्स की लाइंस होती हैं, तो आप देखेंगे ये एक आपकी स्ट्रेट लाइन है, इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन और स्लीप लाइन। इसको क्या कहते हैं, स्लीपिंग लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन, क्योंकि इस टाइप से लेटी हुई है, इसको हम स्लीपिंग लाइन या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। ये लाइन आपकी क्या है, खड़ी हुई है यानी कि वर्टिकल लाइन। जो लाइन स्ट्रेट लाइन में खड़ी होती है उसको वर्टिकल लाइन कहते हैं, जो लेटे हुए होती है उसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। सेकेंड नेम होता है वर्टिकल लाइन का स्टैंडिंग लाइन, क्योंकि ये खड़ी हुई है इसको लिए हम क्या कहते हैं, स्टैंडिंग लाइन, और ये लेटी हुई है इसको हम कहते हैं स्लीपिंग लाइन। ये इसकी क्या होती है, पहचान होती है कि आप कैसे पहचानेंगे कि आपकी वर्टिकल लाइन है या हॉरिजॉन्टल लाइन है। जो खड़ी हो उसको हम स्टैंडिंग लाइन कहते हैं, और जो लेटी हो यानी कि स्लीपिंग मोड में हो वैसी वो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। अच्छा, सेकंड थर्ड फॉर्म आती है इसमें, ये इस टाइप से ये लाइनें हैं, ये थोड़ी सी झुकी हुई है यानी कि स्लैंट मोड में है, ये भी स्लैंटिंग मोड में है, ये भी स्लैंटिंग, यानी कि इस टाइप की लाइन को हम क्या कहते हैं, स्लैंटिंग लाइन। इस टाइप की लाइन को कहते हैं हम स्लैंटिंग लाइन। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने कुछ लाइन इन्होंने ड्रॉ करवाने के लिए कहा है, प्रैक्टिस ड्रॉ द हॉरिजॉन्टल लाइंस। अब आपको क्या ड्रॉ करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन के बारे में बताया था हमने, जो लाइन स्लीपिंग मोड में होती है यानी कि स्लीपिंग लाइन होती है या उसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, स्लीपिंग लाइन, लाइक दिस टाइप से। ये आपकी सारी क्या है, स्लीपिंग लाइन है। इस टाइप से आप ड्रॉ करेंगे तो ये आपकी स्लीपिंग लाइंस कहलाएंगी। नेक्स्ट है, प्रैक्टिस ड्रॉ द वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन का मतलब होता है जो स्टैंडिंग लाइन होती है उसको हम कहते हैं वर्टिकल लाइन। दिस टाइप्स वर्टिकल लाइन है आपकी, ये इस टाइप से आपकी वर्टिकल लाइन है। सेकेंड है, प्रैक्टिस ड्रॉ स्लैंटिंग लाइन। अब आपको क्या करना है, स्लैंटिंग लाइन आपको ड्रॉ करनी है, तो आपको पता है थोड़ा सा हमें तिरछा टाइप का इसको ड्रॉ करना है, तो ये आपकी प्रैक्टिस लाइन, यहाँ पर स्लैंटिंग लाइन हमने ड्रॉ कर दी इस टाइप से, ये हमारी क्या हो गई, स्लैंटिंग लाइन हमने ड्रॉ कर दी है। ठीक है, इस टाइप से आप पूरा ये पेज कवर कर लेंगे, पूरा पेज पे आप स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका, अब आता है प्लेन फिगर्स। प्लेन फिगर्स का मतलब होता है कि ऐसे फिगर्स जो लाइंस के थ्रू कुछ फिगर डिज़ाइन करते हैं या फिगर बनाते हैं, कुछ लाइन मिलकर के, सम लाइंस मिलकर के कुछ फिगर ड्रॉ करें, उसको हम प्लेन फिगर कहते हैं। सबसे पहले आता है वर्टेक्स।
ईच कॉर्नर ऑफ अ प्लेन फिगर इज कॉल्ड अ वर्टेक्स, यानी कि किसी भी फिगर के जो कॉर्नर्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। द प्लूरल वर्टेक्स इज वर्टेक्स, और वर्टेक्स का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, वर्टेक्स। साइड, द स्ट्रेट लाइन फॉर्मिंग अ प्लेन फिगर आर कॉल्ड साइड्स, और जो स्ट्रेट लाइन होती है किसी भी प्लेन फिगर की उसको हम क्या कहते हैं, साइड। ठीक है, तो इसमें आया हमने सबसे पहले क्या लिया, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल आप देख रहे हैं, रेक्टेंगल का क्या होता है, टू साइड्स आर सेम, दिस साइड सेम है, ये साइड और ये साइड सेम है। ठीक है, तो हमें देखना है, दिस इज अ रेक्टेंगल, आपने देखा इसकी कितनी साइड है, 1 2 3 4, कितनी साइड है, 4, यानी कि 1 2 3 4, फोर टाइम फोर साइड्स हो गई। अब वर्टेक्स कितनी है, 1 2 3 4, यानी कि इसकी कितनी वर्टेक्स हुई, 4 वर्टेक्स है और 4 साइड्स है। सेकंड फिगर आता है आपका स्क्वायर। स्क्वायर में क्या कहते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, ये भी इक्वल होगी, ये भी इक्वल होगी, ये भी, यानी कि सारी साइडें सेम होंगी। तो यानी कि कितनी साइडें हैं, 1 2 3 4, 4 साइड्स हैं इसकी। वर्टेक्स कितनी है, 1 2 3 4, 4 वर्टेक्स है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका, स्क्वायर हो गया आपका, नेक्स्ट आता है ट्राइंगल। ट्राइंगल में आप देखेंगे कि इसकी थ्री साइड्स होती हैं, 1 2 3, 3 साइड्स हैं और वर्टेक्स कितनी है, 1 2 3, 3 वर्टेक्स हैं। अब नेक्स्ट है आपका सर्किल। सर्किल में कोई ना तो इसकी वर्टेक्स होती है ना ही इसकी साइड होती है, यानी कि 0 वर्टेक्स एंड 0 साइड्स। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका, राइट द नेम ऑफ ईच फिगर इन अ गिवन। अब आपको ये कुछ फिगर्स दिए गए हैं, इनके नाम आपको बताने हैं, तो आप बताइए ये क्या है, स्क्वायर है, ये ट्राइंगल, सर्किल, रेक्टेंगल। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब आप देखेंगे कि हमने ये कर दिया है, इसके बाद यहाँ पर हमने एक्सरसाइज करेंगे, यहाँ पर तो एक्सरसाइज देखेंगे आप, कि राइट इफ़ द लाइन इज कर्व्ड और स्ट्रेट। बताइए लाइन ये कर्व्ड है स्ट्रेट है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि दिस इज अ कर्व, ये कौन सी फॉर्म है, कर्व्ड। ठीक है, ये क्या है, कर्व्ड लाइन है, ये आपकी स्ट्रेट लाइन है, ये आपकी कर्व्ड लाइन है। ठीक है, नेक्स्ट है, अभी मैंने आपको बताए थे कुछ फिगर्स के बारे में बताए थे कि कौन सा क्या फिगर्स है, तो आपको क्या ड्रॉ करना है, सबसे पहले अब आपको इसमें कुछ फिगर ड्रॉ करने हैं। ठीक है, तो फिगर ड्रॉ करने के लिए आप देखेंगे, सबसे पहले आपसे क्या ड्रॉ कराया जा रहा है, ट्राइंगल। ट्राइंगल की कितनी साइड्स होती हैं, 3 साइड्स एंड 3 वर्टेक्स। तो आप देखेंगे हम ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब इसकी ये क्या है, ये आपकी वर्टेक्स है, वर्टेक्स, वर्टेक्स, ये क्या है, साइड। ठीक है, 3 साइड्स एंड 3 वर्टेक्स। नेक्स्ट है आपका स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर सॉरी सर्किल। सर्किल के लिए आप क्या करेंगे, सर्कल। सर्किल में नो साइड्स एंड नो वर्टेक्स। नेक्स्ट है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल आप ड्रॉ करेंगे, रेक्टेंगल में 2 साइड्स आर इक्वल, यानी कि दिस साइड एंड दिस साइड्स आर सेम, दिस साइड एंड दिस साइड्स आर सेम। हाउ मैनी साइड्स आर देर, आर 4 साइड्स, 1 2 3 4, 4 साइड्स। हाउ मैनी वर्टेक्स, 4, 1 2 3
फोर। नेक्स्ट आपको फिगर ड्रॉ करना है स्क्वायर। स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी कि स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। दिस वर्स दिस, यानी कि हाउ मेनी साइड्स, फोर, वन टू थ्री फोर, वर्टेक्स फोर, वन टू थ्री फोर, ठीक है, ये हमारी वर्टेक्स हो गई। अब इस टाइप से हम फिगर ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट है आपका टॉपिक, अभी हमने आपको पढ़ाए थे प्लेन फिगर्स, अब हम आपको पढ़ाएंगे सॉलिड फिगर्स। सॉलिड फिगर्स में आप देखेंगे कि इनके शेप इनकी क्यूबिट फॉर्म में होती है, यानी कि सॉलिड फॉर्म में होती है। तो आप देखेंगे ब्रिक्स, ब्रिक्स क्या है, एक सॉलिड फॉर्म में है, इरेजर सॉलिड फॉर्म, बॉक्स, अलमेरा, सूटकेस, बुक, टी पैकेट्स एंड रेफ्रिजरेटर्स, इन सब की फॉर्म क्या होती है, सॉलिड फिगर फॉर्म में होती है। ईच ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स हैज अ शेप ऑफ क्यूबॉइड, इन सब की शेप कैसी है, क्यूबॉइड फॉर्म में है। देयर आर कॉल्ड अ क्यूबॉइड ऑब्जेक्ट, अब क्यूबॉइड में कितने वर्टेक्स होते हैं, क्यूबॉइड हैज अ 8 वर्टेक्स, क्यूबॉइड हैज अ 12 एज, इसकी 12 एज होती हैं और 8 वर्टेक्स होती हैं। ये फिगर आपको दी गई है आपकी क्यूबॉइड की, ये आपकी फिगर क्यूबॉइड की है, इसकी 8 वर्टेक्स हैं, 12 एज हैं, ठीक है। तो इसमें आपको देखेंगे, नेक्स्ट है आपकी हम देखेंगे, ये आपको क्यूबॉइड दिया गया, इसके फेस कितने होते हैं, फेस भी 6 होते हैं, 1 फेस 2 3 4 और एक नीचे 5 6, 6 फेस होते हैं, 6 इसके फेस होते हैं। अब नेक्स्ट आता है क्यूब, क्यूब में आप देखेंगे, ये आप देख रहे हैं डाइस क्यूब फॉर्म में है, आइस क्यूब, शुगर क्यूब एंड चॉक बॉक्स, ये इसके भी आपके क्या होते हैं, 8 वर्टेक्स होती है, 12 वेज होती है और 6 फेस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका स्फीयर्स, स्फीयर्स में आप देखेंगे, ये आपका स्फीयर्स की शेप है, लुक एट द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट शोज इट, अब आप देख रहे हैं स्फीयर्स फॉर्म में है सारी, क्रिकेट बॉल स्फीयर्स फॉर्म में, फुटबॉल, मार्बल्स, बुलंद बॉल, ऑरेंज, ग्लोब एंड वाटरमेलन, ये सारे स्फीयर्स फॉर्म में होते हैं। आप देखेंगे ईच वन दीज ऑब्जेक्ट हैज अ शेप ऑफ स्फीयर्स, दीज आर द कॉल्ड स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, स्फीयर्स हैज वन फेस, स्फीयर्स की कितनी फेस होती है, 1, स्फीयर्स हैज नो वर्टेक्स, द स्फीयर्स हैज नो एज एंड स्फीयर्स हैज नो कर्व्ड सरफेस, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका सिलेंडर, सिलेंडर फॉर्म में आप देखेंगे ड्रम, जार, पेंसिल, वैक्यूम फ्लैग, इलेक्ट्रिक ट्यूब, डालडा टिन, क्रियॉन्स, बोतल, कैंडल, गार्डन रोलर, बैटरी सेल, स्नीजर एंड सिरिंज एंड गैस सिलेंडर, ये सारे आप किस फॉर्म में, सिलेंडर फॉर्म में हैं, ठीक है। अब सिलेंडर के आप देखेंगे, ये सिलेंडर की शेप है, इसमें सिलेंडर में वर्टेक्स कोई नहीं होती, वर्टेक्स 0 है, 2 एज हैं इसकी, 1 एज एंड सेकेंड एज, 3 फेज हैं, 1 फेज, सेकेंड फेज एंड थर्ड फेज, ठीक है, और इसकी एक इसका कर्व्ड सरफेस भी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कोन, कोन में देखेंगे आप आइसक्रीम कोन, कॉनिकल टेंट, फनल, कॉनिकल कैप, टर्निप एंड कैरेट, ये कोन है, ये सारे फिगर्स हमारे किस फॉर्म में, कोन फॉर्म में, ये कोन की शेप है, लाइक अ कैप टाइप, बर्थडे कैप टाइप, 1 वर्टेक्स, 1 एज, फेस कर्व एंड फेस पैन, ये आपके सारे हो गए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ये देखिए, ये फिगर है आपको, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ, अब हमें क्या करना है, कुछ डायग्राम्स ड्रॉ करने हैं जो मैंने अभी आपको बताए थे। सबसे पहले डायग्राम्स किसका ड्रॉ करना है आपको, कोन का, कोन का डायग्राम के लिए कैसा होता है, जैसे बर्थडे कैप होती है उस टाइप से, ये हमने कोन का डायग्राम ड्रॉ करा, ठीक है, ये आपकी कोन है।
नेक्स्ट आपको क्या ड्रॉ करना है, स्फीयर। स्फीयर का मतलब बॉल टाइप, जो आपकी बॉल होती है क्रिकेट बॉल, उस टाइप की सॉलिड बॉल टाइप की होती है, ये स्फीयर्स होते हैं इसके, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सिलेंडर। सिलेंडर आप जानते हैं कि आपका सिलेंडर होता है टू साइड्स, ये मैंने सिलेंडर किया, फिर नीचे का बेस, ऊपर का बेस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्यूब। क्यूब ड्रॉ करना है तो क्यूब के लिए आप देखेंगे, सबसे पहले हम स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है। स्क्वायर के बाद फिर हम अदर नेक एक अनदर स्क्वायर बनाएंगे, फिर इसके जो कोने कॉर्नर्स हैं उनको ज्वाइन कर देंगे, दिस टाइप्स, दिस इज अ क्यूब, ठीक है। इस टाइप से हमारा क्यूब आ जाता है। अब आप फिलिंगली ब्लैंक्स करेंगे, आप इन्हीं से रिलेटेड कुछ ब्लैंक्स दिए गए हैं, हमको फिल करना है कि किसमें क्या फिल करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है अ सिलेंडर हैज, सिलेंडर के वर्टेक्स कितने होते हैं, नो वर्टेक्स, सिलेंडर का कोई भी वर्टेक्स नहीं होता है, ठीक है। और एज, सिलेंडर की एज कितनी होती है, टू एज, एंड फेस, थ्री फेस, ठीक है। सिलेंडर के नो वर्टेक्स, टू एज एंड थ्री फेस। नेक्स्ट आता है आपका स्फीयर। स्फीयर की वर्टेक्स कितनी है, नो, नो वर्टेक्स, एज, टू एज एंड फेस, हाउ मेनी फेस इन स्फीयर, वन फेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ क्यूब हैज, क्यूब के कितने वर्टेक्स होते हैं, एट वर्टेक्स, एज, 12 एज, ठीक है, एंड फेस, सिक्स फेस। नेक्स्ट है आपका स्फीयर हैज, अब आपको बताना है कि स्फीयर हैज, स्फीयर के कितने, स्फीयर के कितने सरफेस है, स्फीयर हैज अ सरफेस, कर्व्ड सरफेस, वन कर्व्ड सरफेस होता है स्फीयर का। नेक्स्ट है सिलेंडर हैज अ टू, क्या होते हैं उसके, प्लेन फेस, टू प्लेन फेसेस हैं और वन कर्व्ड फेस। नेक्स्ट है अ कोन हैज अ वन, कोन का वन कर्व्ड फेस होता है एंड वन प्लेन फेस, ठीक है, वन प्लेन फेस होता है। इस प्रकार से ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाता है। थैंक यू।